लेकिन मुझे रूही पर बिल्कुल भरोसा नहीं। तुम अब भी रूही की आड़ में अपने रिश्ते की कमजोरियां छुपा रही हो लड़की। प्यार की इमारत भरोसे की नींव पर खड़ी होती है लड़की, तुम्हारी तो नींव ही कच्ची है, इसीलिए तुम डर गई। नींव सॉलिड है दादी सर, तभी तो प्यार तूफान से नजरें मिलाए खड़ा है। दादी सर, रूही वही है जो मेरे और अरमान के डिवोर्स के कागज बनवा कर लाई थी। हम तो अब भी साथ हैं। मुझे हमारी टेंशन नहीं हो रही है, मुझे रोहित की टेंशन हो रही है। एक बात में हम दोनों सेम टू सेम है दादी सर, आप भी रोहित की बहुत फिक्र करती हैं और मैं भी, और रोहित सच्चा प्यार डिजर्व करता है। क्या आपको लगता है रूही रोहित को सच्चा प्यार दे पाएगी? मुझे तो नहीं लगता, इसलिए मुझे यह भी नहीं लगता है कि उन दोनों को साथ होना चाहिए। फूफा साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गवाह तो अदालत में आने के लिए तैयार ही नहीं है। तुम घबरा क्यों रहे? हम नकली गवाह ले आएंगे। देखो रोहित, कामयाब होना है तो समझौते तो करने पड़ेंगे ना। समझौतों से मिली कामयाबी की उम्र बहुत छोटी होती है। तुम्हारी कामयाबी से जलने वाले लोग तो कड़वी बातें ही करेंगे। मेरे क्लाइंट्स आपके तरीकों से बिल्कुल खुश नहीं है। तुम्हारे क्लाइंट? शायद तुम भूल गए हो कि वो अब रोहित के क्लाइंट्स हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो वो रोहित के क्लाइंट्स भी नहीं रहेंगे। वो लोग मुझे लगातार फोन कर रहे हैं, बार बार सवाल पूछ रहे हैं, और कई लोग तो हमारी फर्म छोड़ के जाने को तैयार हैं। रोहित, तू अपने तरीकों से काम कर, फूफा सा तेरा करियर बर्बाद कर देंगे। आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसका क्या? देख रोहित, ये केसेस पहले मेरे पास थे, मैं उन क्लाइंट्स को जानता हूं, वो नहीं चाहते कि। आई नो, आप जो रिजेक्ट करते हो मुझे वही मिलता है, जताने की जरूरत नहीं। रोहित, गुस्से में भी ना इंसान को अपनी हद नहीं पार करनी चाहिए। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? ओ या, मुझे इनसे मिली सेकेंड हैंड चीजों की लिस्ट में तुम्हारा नाम तो सबसे पहले आता है। मेरी बच्ची से इस तरह बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुक, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मनीष जी, आप अपने दामाद के साथ इतनी बुरी तरह पेश नहीं आ सकते। आपके दोनों पोतों के साथ तो मुझे इससे भी बुरा बर्ताव करना चाहिए। कैसे संस्कार दिए हैं आपने इन्हें? इंसानियत ही नहीं है। दोनों के दोनों मतलब ही है, दोनों क्या पूरा परिवार मतलब ही है। चलो मनीष जी, रूही की मर्जी के बिना आप इसे जबरदस्ती यहाँ से नहीं लेके जा सकते। जबरदस्ती नहीं कर रहे दादी साहब, मैं अपनी मर्जी से ही जा रही हूँ। मैंने आपसे कल भी कहा था कि मैं इस घर में नहीं रहना चाहती हूँ। सॉरी दादी साहब, दादी साहब, मुझे मेरी हर गलती का एहसास है, पर इस तरह की इंसल्ट मैं नहीं सहूंगी है, इसीलिए आई एम सॉरी, पर अब मैं यहां नहीं रहूंगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस YouTube पेज को।